पिछले 8 दशकों से समाज सेवा का व्रत लेकर अपने महिला उत्थान, निराश्रित आदिवासी, मागास वर्गीय बहुजनों के उत्थान के लिए उनके लोकाभिमुख कार्यों से सावनेर तहसील ही नहीं तो समूचे महाराष्ट्र में जिनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है, ऐसी पुष्पाबेन कांजीबाई देसाई का जन्म 1 मार्च 1926 को मुंबई में हुआ था। 18 साल की उम्र से ही वह समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए वह महात्मा गांधी के संपर्क में आई। उन्होंने वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में रहकर अपना घर और परिवार छोड़ दिया तथा सामाजिक कार्य करने लगी। पुष्पाबेन के जीवन की असली प्रेरणा महात्मा गांधी और आचार्य भंसाली महाराज है। उनके विचारों से प्रेरित होकर पुष्पाबेन ने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद भंसाली महाराज और पुष्पाबेन सावनेर तहसील के टाकली गाँव में आए। 1952 में भंसाली ग्राम सेवा मंडल की स्थापना की, जिससे यह गांव भंसाली टाकली के नाम से जाने जाना लगा। इस संस्था के तहत 1960 में एक अनाथालय शुरू कर निराश्रितों को आश्रय दिया जाने लगा। भंसाली महाराज के निर्वाण के बाद पुष्पाबेन उनकी मानस पुत्री के रूप में आश्रम का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। उन्होंने गरीब अनाथों के पालन पोषण और उत्थान के लिए क्षेत्र में अनाथालय और छात्रावास शुरू किए। गरीब, सुशिक्षित और जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु प्रयास किया, जो आज भी निरंतर से जारी है। विश्व महिला दिवस के अवसर पर भंसाली सेवा आश्रम में संपन्न आयोजन में ललिता गहरवार, प्रेमाबेन ठाकुर, खुशाल ढोले, नरेंद्र बैस, रेखाताई मोतीलिंगे, सागर पिंपे, रामराव पाल, उज्ज्वला गायकवाड़ आदि ने प्रमुख रूप से उपस्थित रहकर इस आयोजन को सफल बनाया। इस अवसर पर ग्राम टाकली भंसाली क्षेत्र में कार्यरत समाजसेवी महिला, आशा वर्कर, बचत गट के अनेक संगठनों से जुड़ी महिला तथा आश्रम के छात्र छात्राओं ने सहभागी होकर जागतिक महिला दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऐसे गरीब अनाथों की इस माँ पुष्पाबेन देसाई की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की हम कामना तथा उनका कुशल मार्गदर्शन प्राप्त होते रहे, ऐसी कामना उपस्थितों ने की है। सेवा का व्रत लिया है। हाँ। मैं घर में थी बम्बई में माता पिता के पास, स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। मेरी माँ कृष्ण की पूजा करते थे, नाते वक्त श्लोक भी बोलती थी, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मैं कृष्ण की फोटो ले करके उसकी सेवा में लगी। सातवीं क्लास से हमको संस्कृत सिखाया जाता था, तो संस्कृत में गीता पढ़ना शुरू किया। उसका समझता नहीं था ज़्यादा, गुजराती में तर्जुमा था, वो भी पढ़ती थी, ट्रांसलेशन। इससे धीरे धीरे प्रेरणा मिली। मैट्रिक पढ़ने के बाद 11वीं मेडिकल कॉलेज में गई, तो उस वक़्त 18 साल की उम्र थी, विचार करने की शक्ति बढ़ गई थी, तो मुझे लगा सगाई भी मेरी जोड़ दी थी। मालवीय कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ते थे, मैं बम्बई में शुरू किया था, लेकिन ऐसी प्रेरणा मिली कि एक दिन वो चले जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊँ, मैं चली जाऊँगी, वो भी दूर हो जाए। इस संसार का सुख निरंतर निश्चित नहीं, परमात्मा की भक्ति करना यही सबसे बड़ा उपाय है अपने जीवन को शांति देने का। विचार आहे, मी माझा जन्मच त्यांच्या जवळ झालेला आहे, म्हणजे त्यांनी खेळवलं मला लहानपणी। अरे माझी आई आणि बाबा दोघांनी आपली सेवा इथे दिली आश्रमामध्ये, आणि त्यांच्या सानिध्यामध्येच आम्ही लहानाचं मोठं झालो, आणि त्या आदर्श आहे माझ्या। बाकीच्या महिलांबद्दल तर आपण ऐकले आहे फोटोमध्ये, सावित्रीबाई फुले यांचा आपण इतिहास ऐकला, पण त्या आदर्श आहे, कारण त्यांचं कार्य मी स्वतः पाहिलेलं आहे आणि ते फार महत्त्वाचं आहे, मोलाचं आहे, कारण त्यांनी हे सगळं उभारण्यासाठी जे खडतड परिश्रम केले, एक महिला म्हणून ही साधी गोष्ट नाही आहे, आणि विपरीत परिस्थितीमध्ये आणि बाहेर गावी जाऊन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इथून डोनेशन जमा करणं, हे एवढी वास्तू तयार करणं, मुलांचं वसतिगृह देवरी इथे, आपल्या इथे नागपूरला, आपल्या इथे टाकळीला, आणि सगळ्यांना रोजगाराची संधी त्यांच्याचमुळे उपलब्ध झाली,
त्यांचाच आदर्श समोर ठेवून माझ्या परीने जे जे काही जमेल आश्रमसाठी म्हणा, गावातल्या विद्यार्थ्यांसाठी, मुलांसाठी, त्या परीने मी संपूर्ण प्रयत्न करेल. कारण आता 10 वर्षाचा कालावधी आहे मला मुख्याध्यापिका म्हणून या शाळेमध्ये, तर मी निश्चितच जे जे मला चांगलं करता येईल त्यांच्या आशीर्वादाने मी निश्चित ते करणार आहे. इथे ज्या गरीब आणि गरजू विद्यार्थिनी येतात त्यांना म्हणजे खूप चांगलं शिक्षण मिळतं, म्हणजे त्यांच्या सगळ्या सोयी सुविधा आम्ही उपलब्ध करून देतो. हे आमचं एक मोठे ध्येय आहे या वसतिगृहाचं. थँक्यू. BCN न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडले की रिपोर्ट.